हेलो एवरीवन, कुजर बुक में आप सभी का स्वागत है। यूपी SSC वीडियो री एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का यह पांचवा सेट है। अगर आपने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनको जाकर जरूर देख लेना। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ईरान, नाइजीरिया या मिस्र। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र देश, ऑप्शन डी इसका सही होगा। उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है देहरादून में, देवस्थल में, नैनीताल में या इस केस में। ये किया गया है देवस्थल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड या स्वीडन। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 जो रिपोर्ट है उसके अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो है वो है फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? ऑप्शन है त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय या असम। तो बटरफ्लाई इको पार्क नामक जो छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला जो तितली पार्क खोला गया है वो किस राज्य में है? त्रिपुरा राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? ऑप्शन है रतन टाटा, गौतम अडानी, सुनील मित्तल या मुकेश अंबानी। तो यह रतन टाटा को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया है? ऑप्शन है लद्दाख, मयूरभंज, श्रीनगर ए और बी दोनों। इसमें क्या है, लद्दाख और मयूरभंज दोनों को शामिल किया है, तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक जो कि आत्मकथा है के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है? ऑप्शन है नीलनादम, सूर्यवंशम, नादस्वरम, रघुवंशम। तो ये सूर्यवंशम हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमानवाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? ऑप्शन है INS सिंधु, INS कालभेरी, INS अरिहंत या INS द्रोणाचार्य। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, INS द्रोणाचार्य। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2025, 2028, 2030 या 2035। तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है एरिक गार्सेटी, निकी हेली, कमला हैरिस, एंटोनी ब्लिंकन। तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक गार्सिटी, जो अमेरिका के नए राजदूत जो हैं नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मैकमोहन रेखा को अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दिया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो हो जाएगा आंसर इसका अमेरिका ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या भारत। तो जो सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट है उसके अनुसार जो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है वो है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, रघुराम राजन को, टी रविशंकर या एम राजेश्वर को। जिसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास को। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 917, 907, 927 या 900। तो यह है 907।
अगला क्वेश्चन है, मेथलान से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन है पटना, नई दिल्ली, भोपाल या बेंगलुरु। तो मेथलान से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण जो किया गया है वो किया गया है बेंगलुरु में। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया चार पहलों वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा किया है? ऑप्शन है रोवर रोबोटिक्स, एक्सट्रीम रोबो, सोया रोबोटिक्स, साइनो रोबोटिक्स। जितना आंसर हो जाएगा सोया रोबोटिक्स, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्विस फर्म द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बताया है? ऑप्शन है आठवां, तीसरा, पांचवा या पहला। इसका आंसर हो जाएगा 117 का आठवां। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सब्सिडी देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? ऑप्शन है फेडरल बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक, सेंचुरियन बैंक या ऑक्सफोर्ड बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है सियालदह स्टेशन कलकत्ता, सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश, धनबाद रेलवे प्लेटफॉर्म झारखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धिरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। अगला क्वेश्चन है, 25वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता है? ऑप्शन है द एलिफेंट विस्पर्स, द अन्ना मैन, अदान ए हेट स्टोरी, मैंग्रो द एनवायरनमेंट। इसका आंसर हो जाएगा द एलिफेंट विस्पर्स। अगला क्वेश्चन है, 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग्स का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? ऑप्शन है पृथ्वीराज, बाहुबली 2, कश्मीर फाइल्स या आरआर। इसका आंसर हो जाएगा आरआर। और कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि वो सॉन्ग का नेम जो है वो क्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? ऑप्शन है इनसेट आईसी, मेगा ट्रॉपिक्स 1, रोहिणी 4, आर्यभट्ट 2। ये कौन सा है? ये है मेगा टॉपिक्स 1। अगला क्वेश्चन है, बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है पर्यटन विभाग ऑस्ट्रेलिया, भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय बांग्लादेश, पर्यटन मंत्रालय चीन। तो बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जो जीता है ये जीता है भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया है? ऑप्शन है तीन पत्ती, प्रहलाद चरित्र, पागल खाना या युद्ध की कूटनीति। ऑप्शन इसका हो जाएगा पागल खाना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? ऑप्शन है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एथनी एल्बानीजी। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीजी। अगला क्वेश्चन है, किस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्रिया घुड़ावत, कैलाश सत्यार्थी, संदीप पांडे, अन्ना हजारे। ये हो जाएगा श्रिया घुड़ावत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? ऑप्शन है कर्नल श्रिया राणावत, कर्नल गीता राणा, कर्नल मासूमी चटर्जी, कर्नल रश्मि उपाध्याय। इसका आंसर हो जाएगा कर्नल गीता राणा। अगला क्वेश्चन है,
वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? ऑप्शन है कैप्टन रागिनी संतोष, कैप्टन गौतमी सुख, कैप्टन शालिजा धामी, कैप्टन नीलिमा चोपड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन शालिजा धामी, ऑप्शन सी। तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय स्थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ? ऑप्शन है सिंपैक्स 23, कांजिद 23, वीर गार्जियन 23 या फ्रिंजेक्स 23। तो तिरुवनंतपुरम में जो भारतीय स्थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच जो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ, इसका नाम क्या है? फ्रिंजेक्स 23। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? ऑप्शन है निसार, निशान 2, सर्वेयर 4, इनसेट 3। तो ये है निसार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? ऑप्शन है डिजी पे, सरल पे, हर पेमेंट डिजिटल, पे डिजी। तो आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के जागरूकता के लिए जो मिशन शुरू किया उसका नाम क्या है? हर पेमेंट डिजिटल। अगला क्वेश्चन है, सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है विराट कोहली, शाहरुख खान, मुकेश अंबानी या सचिन तेंदुलकर को। तो ये नियुक्त किया है हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? ऑप्शन है मिताली राज, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु या हरमनप्रीत कौर। तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मेघालय, गोवा या केरल। तो कर्नाटक ने जो है मेघालय को हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो ये शुरू करी गई मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन है सेव वाटर, कैच द वाटर, सेव द रेन, कैच द रेन 2023। तो इसका आंसर हो जाएगा कैच द रेन 2023। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के सीएमडी शशिधर जगदीशन को बीएस बैंकर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? ऑप्शन आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन है पी हरिकृष्णा, बी आनंद, रवि बउआ, डी गुवेस। इसका आंसर हो जाएगा 138 का डी गुवेस। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेबोकोव अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, भगवती सिन्हा, अमंत बंसल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी की स्टैचू लगाने की घोषणा किया है? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, अजित वाडेकर, रोहित शर्मा। ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की स्टैचू को लगाने की घोषणा करी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है केसी मेनन, हरि बालकृष्णन, एस सोमनाथ, अजीत कुमार। तो भारतीय मूल के जो हरि बालकृष्णन हैं इनको कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने का सम्मानित किया गया है। ठीक, और तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, हरि बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? ऑप्शन है सऊदी अरब, इजराइल,
यूएई, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक आईपी इंडेक्स 2023 में भारत 55 देशों में किस स्थान पर रहा? ऑप्शन है 36वें, 52वें, 18वें या 42वें। ये रहा 42वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीता है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत या इंग्लैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा 44 का, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी का सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नाम से भारतीय और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच पिथौरागढ़ में चौथा द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ? ऑप्शन है डस्टिलिक 2023, साइक्लोन 2023, मालाबार 2023 या लामिते 2023। तो इसका आंसर रहेगा डस्टिलिक 2023, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाला गेहूं की नई किस्म विकसित किया है? ऑप्शन है HD 3385, HP 3358, HD 8533 या HP 3385। तो इसका आंसर हो जाएगा 146 का, HD 3385। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांता समूह और ताइवान के फॉक्सकॉन ने देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाने की घोषणा करी है? ऑप्शन है चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या अहमदाबाद में। ये घोषणा करी है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन है जैसलमेर भारत में, सेग्यून जापान में, कैंप इमाजू जापान में या देवलाली भारत में। यह है कैंप इमाजू जापान में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार होने वाली महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किसने खरीदा है? ऑप्शन है टाटा, रिलायंस, पेटीएम या बायजू ने। तो आंसर रहेगा टाटा ने खरीदा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के UPI और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? ऑप्शन है सिंगापुर, सऊदी अरब, जापान या रूस। तो हाल ही में भारत के UPI और सिंगापुर देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार जो हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। तो ये चर्चा यहाँ पर समाप्त होता है। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि अन्य वीडियोज आपको मिलती रहेंगी।